लेकिन वेस्टिज का मानना है कि जब जागो तभी सवेरा, क्योंकि सुबह की शुरुआत होती है, पूरा दिन होता है, हम अपने सपनों की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए वेस्टिज में हमेशा गुड मॉर्निंग कहा जाता है। और ज्योता करें वही टॉप मैनेजमेंट के लिए, तो बीच में आप तस्वीरें देख रहे हैं जिससे गौतम बाली जी हैं, वो जिन्होंने 25 साल का जो तजुर्बा इनको हो गया था नेटवर्किंग में और हेल्थ में, फाइजर कंपनी से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी कैरियर की, और साथ में अपने दो दोस्तों को लिया, कन्वर वीर जी और दीपक सूद जी, ये आईटी देखते हैं और ये लॉजिस्टिक देखते हैं। तीनों दोस्तों ने मिलकर 2 जून 2004 को वेस्टिज की स्थापना करी, शुरुआत करी, और आज 2 जून 2024 में 20 साल का हो जाएगा वेस्टिज, यानी 20 साल का नौजवान कैसा हो जाएगा। और 1% कंपनियां ही ऐसी होती हैं जो अपना 20वां साल देख पाती हैं, और उस 20वें साल वाली 1% कंपनियों में जो लोग जुड़कर काम करते हैं ना, वो भी इतिहास लिख देते हैं, अपना नाम उनका भी स्वर्ण अक्षर में अपनी आप ही आ जाता है। तो इस समय वेस्टिज जो 2 ऑफिस से शुरुआत हुई थी, आज 2000 ऑफिस है, 10 लोगों से शुरुआत हुई थी, आज 3 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, 30 लाख लोग अपनी जीविका के रूप में ले चुके हैं इसको, और पूरे ग्लोबल में हम 38 रैंक के ऊपर आते हैं, ये है इसकी उपलब्धियां। और 500 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं वेस्टिज जो दिन और रात हमारी सेवा में निरंतर काम करते रहते हैं। और अवार्ड एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो बेस्ट कंपनी 2017 में डिक्लेयर किया वेस्टिज को, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी 17 और 18 में, और 38वें रैंक के ऊपर है, ग्रेट प्लेस टू वर्क पिछले 4 साल से वेस्टिज को अवार्ड मिल रहा है, और नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड 2021 में, और अभी इसी साल पिछले साल मतलब ट्रस्टेड ब्रांड भी वेस्टिज को डिक्लेयर किया जा चुका है। और वेस्टिज की उपलब्धियां हैं कि रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है वेस्टिज का। वेस्टिज में जो लोग आए शुरुआत में साइकिल स्कूटर पे, आज वो ऑडी मर्सिडीज की यात्रा करते हैं। जो लोग अपने हरिद्वार और नानीताल जाते थे घुमाने अपने बच्चों को, आज वो विदेश यात्राएं घूमते हैं और साल में 2-2 बार जाते हैं। जो अपने परिवार का इलाज ढंग से नहीं करा पाते थे, आज अगर जरूरत वैसे तो किसी को ना पड़े लेकिन पड़ जाए तो किसी भी बड़े से बड़े इलाज को भी अफोर्ड कर सकते हैं वो। और आज अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वो ऐसी जगह अब्रॉड में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को जहां 1 साल की फीस 1-1 करोड़ रुपए होती है। यहां हम अपने बच्चों को डोमेस्टिक में पढ़ाना मुश्किल हो रहा है आज की डेट में नौकरी वाले के लिए। और 1-1 करोड़ रुपए फीस किस वजह से दे पा रहे हैं सब लोग, क्योंकि ये वेस्टिज के साथ पिछले 5 से 7 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। और ये है वो 40 लोग वेस्टिज में, जो 30 लाख लोग में से 40 लोग ऐसे हो गए, इन्होंने एक बनाया वेस्टिज ने VNCM क्लब, इसमें 40 लोग अब तक आ चुके हैं। ये सब लोग आपकी और मेरी तरह आम लोग थे, लेकिन खास बात इन्होंने ये करी, आज ये 10 लाख रुपए महीने से भी ऊपर कमाते हैं और अपने लोगों को इसी तरीके से सिखाते हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो जितने भी लोग आप जानते हैं, जैसे जिस हॉल में हम बैठे हैं यहाँ पे भी, दिल्ली में भी 3 करोड़ की आबादी है और पूरी दुनिया की आबादी इस समय 800 करोड़ के करीब है। इस 800 करोड़ में कौन ऐसा होगा जो वो सुबह उठ के दुआ मांगता होगा, प्रार्थना करता होगा कि आज हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो मजा आ जाएगा? कोई नहीं है ना ऐसा। लेकिन डॉक्टर और नर्स तो जाते हैं फिर भी, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। लेकिन यहां पर हर आदमी क्या चाहता है, वेलनेस चाहता है, इलनेस कोई नहीं चाहता। ऐसे ही वेस्टिज ने भी शुरुआत करी, क्योंकि इन्होंने देखा कि आज हेल्थ की हालत लोगों की बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि अटैक के खतरे यंग जनरेशन को और ज्यादा हो गए हैं। छोटे बच्चे चश्मा लेके पैदा हो रहे हैं, लेके तो नहीं पैदा होंगे, बाहर जाके ही लगवाते हैं, लेकिन कितनी हालत खराब हो रही है आज की डेट में आप समझ पा रहे हैं। पहले जो 100 साल की उम्र होती थी बिना इलाज के, यानी इलाज कम था, बीमारियां कम थी, तो भी 100 साल जीता था आदमी, आज चेक करा सकते हो आने वाले समय की बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है। उसके बाद हमें 105 पे जाना चाहिए या 60 पे आ जाना चाहिए, 105 पे जाना चाहिए, लेकिन कैसा हो रहा है ऐसा आज नहीं हो रहा ना। तो अब जरूरत आ पड़ी, यहां से वेस्टिज का रोल शुरू होता है। वेस्टिज लेके आया यहां पर आपके लिए आयुर्वेदिक और साइंस को मिला के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर आप इस्तेमाल करेंगे, जब उसको आप भी स्वस्थ हो जाएंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ हो जाएगा, अपने डॉक्टर आप खुद बन जाते हैं। लेकिन इसको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि घर की डॉक्टर होती है एक हाउस वाइफ, है ना, जो पूरे घर को स्वस्थ रखती है और किसी को बीमार पड़ने नहीं देती। आज ऐसी हाउस वाइफ से मैं मिलवाऊंगा आपको, जो बताएंगी आगे आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में और इस सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के बारे में,
जब आप उनसे प्रोडक्ट्स के बारे में सुनेंगे ऐसे लगेगा जैसे उन्होंने ही बनाए हैं ये प्रोडक्ट्स, इतना उन्होंने काम किया। और आज वो बन चुकी हैं क्राउन डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज मार्केटिंग। तो जोरदार तालियों के साथ बुलाते हैं मिसेस नंदिनी बिष्ट जी को क्राउन डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज मार्केटिंग।